जिंदगी एक लंबा सफर और इसे पीना शुरू कर, इसे उतारना शुरू कर, इसे सवारना शुरू कर, इसे जमा करना शुरू कर, जितनी बिखरी हुई है अपने फोकस के लिहाज से इसको मुअय्यन करना शुरू कर, रस्तों की पहचान करना शुरू कर, रस्तों पे रस्ते बनाना शुरू कर, रस्तों से मंजिलें मत मांग, रस्तों को मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों को एक नई मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों के हाथ जो टूटे हैं उन्हें जुड़वाना शुरू कर, टूटी हुई टांगों को वो मकान देना शुरू कर, छूटे हुए हाथों को वो साथ देना शुरू कर, किए हुए जितने अहद हैं वफा करना शुरू कर, अपने आप से एक इफा करना शुरू कर, वो जो कामिल ना हो सके उन इश्कों को जमाल देना शुरू कर, अपने हुस्न को और अपने उन बबाल को वो इश्तियाल देना शुरू कर, अपने अंदर के अशकाल को नए ख्याल देना शुरू कर, अपने अंदर की रूह को वो मकाम देना शुरू कर, वो एहसास देना शुरू कर। अगर नहीं करेगा तो इस आयत में ही तेरी और मेरी जिंदगी का इख्तिताम होगा कि अल्लाह कहता है इंजशा युज़हिबकुम वयाती बिखल्क़िन जदीद, अगर तू नहीं करेगा ये मकाम और ख्याल नहीं पैदा करेगा तो हम नए लोगों को ले आएंगे, एंड यू विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। जिन्होंने बड़ाइयों को एक बड़ाई बख्शनी होती है एक जमाने के अंदर, उसके पास सबसे कीमती दो चीजें होती है जिसको वो अपनी जान और जिंदगी से ज्यादा कदर करता है, एक है वक्त और दूसरा तजर्बा। तो अभी तजर्बा भी नहीं है, एक चीज को देखने के 10 एंगल नहीं है, एक मसले को देखने में तनब्बू और नौयत नहीं है, और फिर सलूशन और फतवा निकालने में भी तेरे अंदर तनब्बू और नौयत नहीं, क्योंकि उम्र छोटी है, उम्र कच्ची है अभी। लेकिन तेरे पास एक चीज है, वो अगर इस उम्र में हो तो मैं तुझे शर्त यह कहता हूं, अगर मरने से पहले तू मेरी उम्र तक पहुंचा तो तू अपनी मिड 20s और मिड 30s तक, तो सिवाय दुआओं के हमें कुछ नहीं देगा, वो है जज्बा और हौसला अपने आप को थाम कर रखने। यू हैव द विल राइट नाउ, अगरचे तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तूने शादियां नहीं की बेटा भी, तूने बच्चे नहीं पाले अभी, तूने शरीके को मुंह नहीं दिया अभी तक, तूने बाप के शरीके को भी नहीं संभाला हुआ, तूने माँ के शरीकों को भी नहीं संभाला हुआ, तूने लोगों की सियासत नहीं समझी, हसद बुगज नहीं देखे तूने अभी, किस तरह लोग गेमे करते हैं, किस तरह लोग टांगे काट देंगे तेरी, किस तरह लोग तुझे इस्तेमाल के थूक के फेंक देंगे, किस तरह तेरा ही आइडिया जीनियस अगर बैठा है पंजाब कॉलेज में, कोई बड़ा जीनियस, जीनियस क्या होता है जिसके पास आइडियाज की भरमार हो लेकिन मार्केट और सेलिंग नहीं आती, मार्केट ना हो उसके पास, पैसा ना हो उस जीनियस के पास, ऐसे कितने शह सवार होंगे हमारे मुल्क में जो अकली ज़हनी लिहाज से इमाम होंगे अभी इस टाइम पर, मगर उनके पास मार्केट नहीं, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, दुकान नहीं है, कंपनी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां तक होल्ड करने के लिए जब तक तू एक बन जाएगा वो चीज के, पैसा भी खुद आएगा, लोग भी आएंगे तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे पास सिर्फ अपने पास एक चीज है कि थाम के रखना, वो विल, वो हौसला और वो मुस्बत ख्याली कि एक दिन आएगा और वहां तक मैंने जाया नहीं करना, और उस वक्त जब मैं स्टेज पे खड़ा हूंगा और उस दिन अपना गीत सुनाऊंगा जब, तो मेरी उस एक घंटे की तकरीर के अंदर 1000 दिलों में भी जरूरत नहीं हो आगे से एक ख्याल मेरे मन से जाने के लिए, मैं पूरा का पूरा मजमा खा के चला जाऊंगा वहां तक जाने के लिए। तुझे बहुत जमा करके रखना है अपने आप को पुत्र, तुझे बहुत इकट्ठा करके रखना है अपने आप। चल टीवी गाड़ी पे से तूने छलांग नहीं निकाली है, तुझे पता होना चाहिए वक्त कम है तेरे पास और तकलीफें लिमिटेशंस बहुत ज्यादा, वक्त बहुत कम है और रिसोर्सेज बहुत कम, दोस्त भी कम है, सज्जन भी कम है, और जिंदगी में सबसे बड़ी रहमत भी कभी कभी होती है दुश्मन भी नहीं होंगे तेरे पास म्यारी इस टाइम पर, क्योंकि म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ सिखा जाता है, म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ बता जाता, और दुश्मन से जंगे तो इंसान को पावरफुल करती हैं। तो जिंदगी में ग्रो करने के लिए तुझे दुश्मनियां भी बहुत कमाल की चाहिए, तुझे दोस्तियां भी बड़ी कमाल की चाहिए, तुझे अपने आप से जंग भी बड़ी कमाल की चाहिए, और उसमें रहनुमाई और औसाफ भी बड़े कमाल की चाहिए। तो इस टाइम पर तेरे पास सिर्फ एक चीज, ये किताबों के रट्टे, ये रगा तू डिग्रियां हासिल करने के लिए ठीक है, ये लोगों को खुश करने के लिए अच्छी बात है, मगर वहां जहां गीत बिकता है और चीज बनती है और चीज आगे जाती है वो है तेरे अंदर का आप। इसलिए कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं बना सके जिंदगी में, उनकी सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं थी, और कुछ कितने ही माठे लोग थे, माठे से लोग थे, मगर कायनात को एक कायनात बख्श के चले गए, तुम उनके कलेजे के अंदर बड़ा हुसन जिगर और वसत थी, तनव्वो था, तौसी थी, उसके उसूल थे, तरकीबें थी, तदबीरें थी, मामलात थे, तफक्कुर था, तदब्बुर था, तदक्कुर था, नसीहत थे, बल आता था उन्हें जिंदगी जीने का और जिंदगी चलाने। तो इस टाइम पर अगर तू अपनी, क्योंकि अभी जिंदगी तेज नहीं, शादियां नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, सियासतें गर्म नहीं हुई, लोग तेरे खिलाफ नहीं हुए, तो इबलीस अभी इकट्ठे नहीं हुए तेरे खिलाफ, शैतानों को मिर्च नहीं लगी अभी तेरे खिलाफ, मिजाजों को तेरे खिलाफ अभी मिर्च नहीं लगी, उनको मिजाज तेरे खिलाफ नहीं हुआ, वक्त है तेरे पास कि तू अपनी बुनियादी सोच को पक्का कर, रोज पक्का कर, वो टूटेगी इस उम्र में फिर पक्का, वो टूटेगी शक में जाएगी फिर इकट्ठा कर, वो बदमाशियां करेगी वो अंदर से ख्वाहिशात का बाजार गर्म करेगी फिर इकट्ठा कर, फिर उसूलों को, सदाकत को, अमानत को, सच्चाई के सबक को फिर जिंदा कर, फिर टूटेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि किस तरह सबर किया जाए, किस तरह मैं कंसिस्टेंट हूँ, किस तरह मैं परसिस्टेंट हूँ, मैं किस तरह मुस्तकिल मिजाजी बनाऊ, मैं चलता हूँ मैं गिर जाता हूँ, मैं चलता हूँ मैं गिर जाता हूँ, मैं पकड़ता हूँ वो फिर बिखर जाता है, एक सिरा पकड़ता हूँ वो दूसरा सिरा निकल जाता है,
उम्मीद संभालता हूँ खौफ निकल जाती है, खौफ संभालता हूँ उम्मीद चला जाता है, उम्मीद खौफ थामता हूँ मोहब्बत दम तोड़ देती है, मोहब्बत संभालता हूँ तो गुस्सा अपने टैंक लेके और तोहफे लेके आ जाता है, उसे मुंह देने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से शक आ जाता है, शक संभालने की कोशिश करता हूँ तो आगे से मैसेज आ जाता है, मैसेज संभालने की कोशिश करता हूँ तो शाबाद आ जाता है। सबर कैसे करूं मैं, हब्स नफ्स, ये अपने आप को रोकूं कैसे कि मैं एक दिन बाहर आके मौला जट ना बन जाऊं, मैं कैसे रोकूं अपने आप। तो आप सर ने जवाब दिया वहां, आपने कहा सबर बे तसब्बुर, सबर करने कराने से आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से नहीं आता, सबर तुझे कर करके आ जाएगा सबर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी, कोई करिकुलम नहीं है, कोई निसाब नहीं है सबर का, सबर करने कराने से आता है बेटा। दूसरा सवाल हुआ, मैं आजिज नहीं हो पाता, मैं हम्बल नहीं हूँ, हर वक्त ही मैं मेरे अंदर, मैं आजिज और हम्बल होना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं मेरे, कैसे आजिज हूँ? आपसे ने फरमाया अल हिल्म बितहल्लुम, आजी आजी करने से आती है, तू करेगा तू करते कराते हो जाए, तू मिजाज ला अपने अंदर लोगों की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने अंदर अपने इल्म की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपनी हैसियतों की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने माँ बाप की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने इन इदारों की इज्जत करने का, तू इल्म वालों का लोटा उठाने वाला बन, तू खुद इल्म का एक पहाड़ बन जाए, आजी करने से आती। और तीसरा सवाल किया किसी ने, ये इल्म कैसे आता है, हाउ डू बिकम नॉलेजेबल। सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें कितनी गहराई, अल इल्म बितालीम, इल्म पढ़ने पढ़ाने से आता है, तू जो सीखेगा जब सिखाएगा और अमल करेगा तो खुद इल्म की एक दस्तगीर बन जाएगा उस टाइम, तो खुद इल्म की एक क्षमा बन जाएगा उस टाइम। ये सब करने के लिए कि मैं अपनी इस उम्र में और इससे आगे जो स्टेशन है और फिर उससे आगे जो स्टेशन है और फिर जो उससे आगे स्टेशन है, और हर स्टेशन पे जंगे हैं और हर स्टेशन पे बलाएं हैं और हर स्टेशन की मज़िल्लत हैं और हर स्टेशन पे इज्जत हैं और हर स्टेशन पे मसाइल हैं, वहां संभालने तक के लिए जन्नों के अंदर इल्म हासिल नहीं किया जाता, अमन के वक्तों में तैयारी की जाती है जन्नों की। ये है वो वक्त जब तुम्हें जमा करना है इकट्ठा करना है। तो मेरा सवाल है मेरे बच्चों से, मेरे बेटों से जो यहां बैठे हैं, खून बैठा है मेरी कौम, तू ये बता, तू ये वक्त कैसे जाया कर सकता है पुत्र, तू कैसे कान दे सकता है उस फजूल इंसान को जिसे तेरी कोई परवाह नहीं है कल को, जब तू तन तना खड़ा होगा, जब फैमिलियों में तुझे इज्जत नहीं मिल रही होगी, जब तेरी बीवी को भी इज्जत नहीं मिल रही होगी क्योंकि तू माठा था, जब तुझे दोस्त भी मुंह नहीं लगाएंगे क्योंकि तू माठा था, जब तुझे किसी ने महफिल में बुलाना नहीं है क्योंकि तू माठा रह गया, तू पीछे रह, जब तू डिग्री नहीं हासिल कर सका और तू काम नहीं कर सका और तू कमा नहीं सका, क्या जवाब देगा उस टाइम पे, कितनी कौमों को कन्विंस करे। तो बता आगे जो आगे के वक्तों में तुझे गद्दारियां जो तेरे साथ होंगी, जो बेवफाइयां खड़ी हैं आगे, जो चलते फिरते हैं, तेरा फोन ही नहीं उठाया जाएगा, तेरे मैसेज का जवाब नहीं आएगा, लोग तेरा कॉन्ट्रैक्ट कबूल नहीं करेंगे, तेरा माल बिकेगा नहीं, तेरा गीत सुना नहीं जाएगा, बता कैसे संभालेगा अपने आप, क्योंकि अल्लाह भी तूने नहीं तलाश करना और मैंने, रब के पास जाके भी साइकोलॉजी और नफ्सियात मजबूत नहीं करनी, अपने आप को वैसे भी मजबूत नहीं करना कि मैं हूं, किसी के हाथ का खिलौना नहीं कि कोई इस्तेमाल करके चला जाए, मैं खुद अपने आप को नहीं खेलने दूंगा अपने आप, तो खुद ही भी मजबूत नहीं करनी, रब के साथ भी उलूहियत और उबूदियत मजबूत नहीं करनी, और कायनात में भी गौरव फिक्र नहीं करना, तो फिर हम बनेंगे वो काश अगर मगर कुएं में बैठा हुआ मेंढक जो चाय के ढाबों में बैठ के या कैफे शॉप पे कह रहा होगा पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो आज तू मेरे पूरे कलाम में से सिर्फ एक नुक्ता निकाल के ना किसी को बताए बगैर बांध ले अपने कपड़े के साथ और अपने सीने के साथ लगा के, और किसी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ तेरा तेरे आप से ताल्लुक है। आई विल नॉट अलाउ पीपल टू टेक मी एज अ गार्बेज और अ ट्रैश कैन ऑफ अ ग्रांटेड, ये मेरी जिंदगी यार, मैं इज्जत करता हूँ, और अगर आज मैं इज्जत करूंगा तो इसका वकार लोगों के सीनों में भी पैदा होगा, मेरी गले के अंदर मेरी आवाज में वो दर्द तब पैदा होगी जब मैं अपने कलेजे को दर्द दूंगा, मैं लोगों के सीनों का एहसास और गरमाइश तब बनूंगा जब मैं अपने सीने को गरमाऊंगा, कंटेन करूंगा उस आग को अपने, दो मिनट में फट जाना, दो मिनट में लड़ाइयां झगड़े करना, दो मिनट के इश्क और दो मिनट की लड़ाइयां ये झगड़े, बेटा इससे कुछ पैदा नहीं होता सिवाय बेइज्जतियों के और रुसवाइयों के। तूने अपने आप को बनाना है, पढ़ाई कर, याद रख पढ़ाई के साथ जिस चीज ने तेरा आगे गीत बिगना है तेरी शख्सियत की वजह से, किरदार बढ़ेगा और अपने किरदार सक्सेस खड़ी करेगी तेरी जिंदगी, अपनी जीत और अपनी हार किरदार से डिफाइन करता है इंसान, ये प्लस माइनस और ये वैल्यूज और मेजरमेंट से हार जीत नहीं होती, क्योंकि 4 रुपए उन्होंने को चले गए तो 5 रुपए मेरे को आ गए, ये हार जीत नहीं होती, हार जीत होती है कि किरदार खड़ा है मैदान में या नहीं खड़ा। तो अपनी मुस्कुराहटों से अपनी दुश्मनियों को तूने आराम करना है, अपने मिजाज से तूने अपनी शिकस्त को, कहते हैं ना वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग ग्रेसफुली, ग्रेस के साथ हारना सीख, भरम के साथ हारना सीख, मिजाज के साथ हारना सीख, कि अगलों की जीत का मजे भी खराब कर दे तो करकरा कर, ये कैसे करेगा इतना बड़ा, एक छोटा सा बूटा, एक छोटा सा फूल, एक छोटा सा बीज कैसे बनता है इतना बड़ा, जिगर कलेजा कैसे बनता है उस चीज के खिलाफ जाके जो नफ्स को पसंद नहीं, जिगर कलेजा कैसे बनता है वो करने के बाद जिगर बढ़ता है जो मन नहीं चाहता था, जो लोग नहीं चाहते थे, जिगर कलेजा बढ़ता है जब इंसान अपनी काटी लगाता है और अपनी नफी कर जाता है।
तू एक फलसफा है जो खुद लिखेगा अपने आप, तू एक तहरीर है जो तेरे ही हाथों से लिखी जाए, तू एक खिताब है जो खुद अपने लफ्जों को जुमलों की शक्ल देगा। कंप्लेन शिकायतें ये कोई नहीं सुनेगा, ये करनी भी नहीं चाहिए, तो तू खुद एक फलसफा है जो खुद तारीफ करेगा। इसलिए अल्लाह कहता है इन्ना हदैना हु सबीला, रास्ते दिखा दिए हैं तुझे हम, इम्मा शाकिरुन इम्मा कफूर, लीव इट और टेक इट। तू पैगाम उठाता है टेबल से या नहीं उठाता, फैसला तेरा हो, फैसला तेरा होगा कि तू फैसलों को क्या फैसला सुनाता है अपना। दुनिया के फैसले जो तेरे खिलाफ खड़े हैं तू उनको क्या फैसला सुनाना चाहता है, ये भी फैसला तेरा होगा। और आखिरी बात, ये एक दिन का काम नहीं, ये लम्हों के अंदर नहीं होता, ये लहजात में नहीं होता। जिंदगी एक लंबा सफर, और इसे पीना शुरू कर, इसे उतारना शुरू कर, इसे संवारना शुरू कर, इसे जमा करना शुरू कर, जितनी बिखरी हुई है अपने फोकस के लिहाज से इसको मुअय्यन करना शुरू कर, रस्तों की पहचान करना शुरू कर, रस्तों पे रस्ते बनाना शुरू कर, रस्तों से मंजिलें मत मांग, रस्तों को मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों को एक नई मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों के हाथ जो टूटे हैं उन्हें जुड़वाना शुरू कर, टूटी हुई टांगों को वो मकान देना शुरू कर, छूटे हुए हाथों को वो साथ देना शुरू कर, किए हुए जितने अहद हैं वफा करना शुरू कर, अपने आप से एक इफा करना शुरू कर, वो जो कामिल ना हो सके उन इश्कों को जवाब देना शुरू कर, अपने हुसन को और अपने उन बवाल को वो इश्तियाल देना शुरू कर, अपने अंदर के अशकाल को नए ख्याल देना शुरू कर, अपने अंदर की रूह को वो मकाम देना शुरू कर।